जिस देश की तलाश में हम इतनी दूर निकल आए, जिस स्वदेश की चाह में हम यहां तक पहुंचे, जिस घर को बसाने का स्वप्न लिए हम ये महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उस लड़ाई को लड़ते हुए सिर्फ इतना याद रखना आर्यवीरो, वो नदी पार जो द्राविड़ भूमि है, आर्यवर्त कहलाना जिसकी नियति है, वो नियति तुम्हारे नियत में बसती है, वो घर तुम्हारे कहर में बसता है, वो स्वदेश तुम्हारे द्वेष में बसता है, और वो देश तुम्हारे आवेश में बसता है। वो सपन पूर्वजों का, वो यथार्थ वंशजों का लक्ष्य अब यही है, हमारे विजयी ध्वजों का, आर्यवर्त 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 आर्यवीर। अब हम वन भेद्य व्यू को रूप देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप अनगिनत तीरों का तूफान आएगा। इस व्यू के परिणाम स्वरूप जब अनगिनत तीरों का तूफान बरसेगा तो जो भी उन झाड़ियों में छिपा होगा परिणाम स्वरूप बाहर निकलने पे विवश होगा या मारा जाएगा। अगर पक्षी बाहर निकले तो यह सिद्ध हो जाएगा कि रास्ता साफ और सुगम है। पहले दाहिनी दिशा से तीर छोड़े जाएंगे, अर्थात ये स्पष्ट हुआ कि ये मार्ग सुगम और सुरक्षित है। अब बाई दिशा से तीर छोड़े जाएंगे। उत्तम, अति उत्तम। अर्थात यह भी सिद्ध हुआ कि यह मार्ग भी सुगम और सुरक्षित है। आर्यवीरो, इंद्र शक्ति तुम्हारे साथ हो। प्रस्थान करो, आक्रमण। Yeah!
होगा। सारे सैनिक मारे जा रहे हैं। चामुंडी अक्का, अपने पति को अपने पास बुला लें। यदि वो वीरगति को प्राप्त होते हैं तो तुम्हारी ही महिमा बढ़ेगी। तथास्ततम। विजय वंदे द्रविड सिद्धि। गजाक्रमण। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।